हेलो फ्रेंड्स, वेजी डिलाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं दाल बाटी। के लिए जो दाल बनाई जाती है वो कैसे बनती है वो मैं आपको बिल्कुल राजस्थानी तरीके से बनाना बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाटी के लिए जो दाल बनानी है उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं दाल बता देती हूँ आपको। ये मूंग दाल है, छिलकी वाली, जो कि स्प्लिट है, टुकड़ा जिसे कहते हैं, वो मैंने एक वन बोल लिया है। और आधा बोल मैंने चने की दाल ली है। आप प्रोपोर्शन देख लीजिए, जितना भी मूंग दाल है उसका आधा आपको चना दाल लेना है। तो ये मैंने लिया है और इसको मैंने ऑलरेडी 1 आवर पहले भिगा के रख दिया था। ये मैं आपको बताने के लिए यहाँ दिखा रही हूँ। उससे अगर मैंने एक पूरा बड़ा लहसुन लिया है उसको छील के रख लिया है, एक बड़ा प्याज लिया है उसको कट कर लिया है। अगर आप मीडियम साइज ले रहे हैं तो आप 2 प्याज ले लीजिए, उसे कट कर दीजिए। हरी मिर्ची मैंने 5 ली है और मैंने स्लिट किया है। आप चाहें तो आप इसको बारीक कट कर लीजिए। 2 मैंने टमाटर लिए हैं बड़े बड़े और हरा धनिया लिया है। उससे अलग जो ड्राई मसाला हम लेंगे उसमें ये 1.5 चम्मच मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, 1 स्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है, ये कश्मीरी लाल मिर्च है जिससे रंग बहुत अच्छा आएगा, तो ये 1 स्पून लिया है मैंने, 1 स्पून मैंने जीरा लिया है, 2 स्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1.5 स्पून मैंने नमक लिया है, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए, गरम मसाला 1 स्पून लिया है और 1/4 स्पून या कह सकते हैं कि 2 पिंच हींग लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने दाल भिगा के रखी है उसको हम बॉईल होने के लिए रखते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने कुकर ले लिया है, इसके अंदर ये दाल में डाल दूंगी। दाल को हमने कुकर में डाल लिया है और अब हम इसमें पानी डालेंगे। आप ये देखिए कि दाल डिप हो गई है और उससे 1 इंच करीबन ऊपर होना चाहिए डिप होके। अब हम इसके अंदर ये नमक डालेंगे और ये हल्दी डाल देंगे इसके साथ में और इसको मिक्स करके अब हम इसे बॉईल करने के लिए रख देते हैं। 3 से 4 सीटी हम इसको लगाएंगे। ये मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है, 3 से 4 सीटी हम इसको लगाएंगे, उसके बाद हम इसका तड़का बनाते हैं। दाल बॉईल हो चुकी है, अब हम तड़का तैयार कर लेते हैं। मैंने ये पैन ले लिया है, इसमें करीबन 2 से 3 टेबल स्पून, क्योंकि ये दाल में थोड़ा सा ऑयल मसाला अच्छा बनता है और राजस्थानी उसमें थोड़ा सा मिर्ची ज़्यादा खाते हैं, तो करीबन 2.5 से 3 टेबल स्पून मैं इसमें ऑयल ले रही हूँ। मैंने ले लिया है, इसको गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो गया है, ये मैं हींग डाल देती हूँ पहले इसके अंदर, जीरा, इसको हल्का सा फ्राई होने दूंगी। अब ये लहसुन डाल देंगे, तो हल्का सा फ्राई करेंगे। इसमें प्यूरी नहीं बनाते हैं, सारी चीजें लहसुन हुआ प्याज हुआ सब एकदम से कट करके आपको यूज करना है। लहसुन आप और भी ज्यादा डाल सकते हैं। ये प्याज डालेंगे अब हम इसके अंदर, इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए ऑनियन और लहसुन काफी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसमें ग्रीन चिली डाल देंगे। इसके बाद में ये टमाटर डाल दीजिए, इनको अच्छे से फ्राई होने दीजिए आपस में। टमाटर भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसके अंदर ये कश्मीरी लाल मिर्च है जो कि हम कलर के लिए डाल रहे हैं, इसे काफी अच्छा रेड कलर आएगा दाल के अंदर। और ये नॉर्मल रेड चिली है, वो 1.5 चम्मच मैंने लिया था, वो डाल रही हूँ। थोड़ा स्पाइसी होता है, राजस्थानी जितनी भी दालें सब्जियां होती हैं काफी स्पाइसी होती हैं। ये हम धनिया पाउडर इसके अंदर डाल देंगे, गरम मसाला है ये भी डाल देंगे। अब हम इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है। अब इसको 1 से 2 मिनट तक हम इस मसाले को स्लो हीट के ऊपर इसी तरह से पकाएंगे।
मसाला बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं ऑयल छोड़ दिया है इसने। और ये देखिए दाल मैंने पहले से भिगा के रखी थी, तो ये काफी अच्छी घुटी हुई दाल बॉईल हो चुकी है। अब हम इसको इसमें डाल देते हैं मसाले में। ये दाल हमने इसके अंदर मिक्स कर दी है मसाले में, आप देख सकते हैं काफी गाढ़ी है। तो मैंने इस पानी को पहले से गर्म किया है, थोड़ा सा लिक्वाम कर लिया है, गुनगुना पानी कर लिया है, और वो मैं इसके अंदर डालूंगी जितना पतला मुझे इस दाल को करना है। तो आप इस तरह से दाल को पतला कर लीजिए, दाल देखिए अच्छे से बॉईल आने लगा है इसके अंदर। दाल बाटी में मेन तो घी का ही काम होता है, घी से ही अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं 1 चम्मच घी करीबन पहले दाल में डाल रही हूँ, और सर्व करते वक्त भी थोड़ा सा ऊपर से घी डालते हैं, और बाटी में तो घी यूज होता ही होता है। इस तरह से ये दाल पूरी रेडी है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया मैं यहाँ पे अभी डाल देती हूँ इस तरीके से। ये दाल अब बिल्कुल रेडी है, इसमें मैंने हरा धनिया भी डाल दिया है। अब इसको हम बंद करते हैं। बाटी के लिए दाल रेडी है, ये आप बनाइए और आपको बहुत पसंद आएगी। इसके बाद में बाटी कैसे बनानी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और आपको मेरी रेसिपी दाल की कैसी लगी मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना, और ये 1 टाइम एक्टिविटी है। तो चलिए कल फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।